हे गाइस, तो आज के वीडियो में थोड़ा कुछ गलत सीन हो गया। तो पहले आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट क्लियरली क्या हुआ था। पीयूषी, साहिल उठो, केदारनाथ जाना है। लेट हो गया, अपन 6 बज गए। तो अभी गाइस हम नहा धो के अच्छे से रेडी हो चुके हैं और सुबह के 7:30 बज गए, तो हम 8 बजे तक निकलेंगे। टोटली पूरा लेट है, 6 बजे निकलने का प्लान था, पूरे 2 घंटे लेट हैं हम। बाकी जो भी आराम से जाएंगे, और मैं चलाऊंगा ये स्कूटी एनटॉक 125 cc। बाइक वाइक नहीं लेके जा रहा मैं, बिकॉज मेरे को मेरी बाइक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना। उसमें ऑफ रोडिंग होती है, वो पत्थरों में फिसल जाती है ना, इसीलिए स्कूटी बेस्ट है। पीयूष इसके पीछे बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बैग तो ये अपना लैपटॉप वाला। ओलू केदारनाथ चलेगी लड़की, केदारनाथ इसको चल गया पता कि हम जा रहे हैं। और ही अब 10 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, 10 दिन के बाद मिलेंगे। को भी लेके जाओ। अरे यार, तेरे को नहीं ले जा सकते यार। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं ले जा सकते यार, और गाड़ी की बहुत ज्यादा है, सिर्फ 2 दिन चला पाए हम इसको। तो नेक्स्ट टूर हमारा थार में होगा, अभी तो बाइक में ही है, स्कूटी में। एक ये बाइक जाएगी जो कि है बुलेट, निर्मल भैया चलाएंगे, और एक ये जाएगी ड्यूक 250। ये वाली बाइक मैं नहीं लेके जा रहा, बिकॉज भरोसा नहीं है इसका। जय भोलेनाथ, हम आ रहे हैं आपके पास। तो भी गाइस, सुबह सुबह कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मम्मी ने बहुत डांटा मुझे भी और पीयूष को भी। पीयूष चले क्या? नहीं आ रहा। हैं? नहीं आ रहा। क्या? नहीं आ रहा। चलो कहना तो नहीं। नहीं वो यार मैं बचाओ। अरे इसे क्या बोलना है कि एक बार थोड़ी बिस्किट का खा ले। तो गाइस, जाते हुए रोज कंट्रोवर्सी हो जाती है एज यूजुअल पीयूष और मम्मी की, और साथ में मेरे को भी डांट पड़ जाती है, जैसे कि आपको बताइए। चलो आरती ले लिए। ये छुप क्यों रहा है, ये बताओ पहले। जाओ बिस्कुट रखा है, बिस्कुट नहीं खाना मेरे को। पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अरे चलो कौन नहीं आ। तो अभी गाइस सभी के सभी रेडी हैं, कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, फिलहाल चलते हैं। ठीक है अम्मी जी, प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। यात्रा बहुत अच्छी, आराम से जाना। प्रणाम। तो हमारे तीनों व्हीकल्स रेडी हैं, एक बुलेट है, एक ड्यूक 250 एंड एक स्कूटी। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, हम जाएंगे आएंगे, बस 10 दिन की बात है। तो एक बैग इस बाइक के पीछे आएगा, एक बैग इस बाइक के पीछे, और पीयूष स्कूटी के पीछे। बाय ओलू। जाते जाते कंट्रोवर्सी खत्म कर ले। ये फाइनली कंट्रोवर्सी खत्म। ओलू ओलू, तुम्हारी क्या कहते हैं बेटा, क्या जीत करता हूं मैं। चलो फाइनली कंट्रोवर्सी खत्म, अब हम निकलते हैं और आराम से। हाँ आराम से जाऊंगा, टेंशन मत लो। बोले ना तुम्हारे साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब क्यों यार, मैं गोप्रो लेके नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ फोन से व्लॉग करेंगे, फोन से मोटो व्लॉग करेंगे। चलो निकलते हैं। बाय 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 बाय। यू मेक इट राइट, आई फॉरगॉट हाउ टू एक्ट, इट्स सो क्लासिक, एवरी टाइम यू मेक मी नर्वस। तो आज का पहला तेल डलवा रहे हैं हम। तो अभी एक साथी और जुड़ चुके हैं साथ में, पीयूष के सर भी जा रहे हैं हमारे साथ में केदारनाथ, तो मजा आने वाला है। तो अभी गाइस 10 बज चुके हैं, पूरे 2 घंटे हो गए हमको लगातार राइड करते हुए, और बहुत ठंड लग रही है स्कूटी पे, लेकिन मजा आ रहा है। मजा आ रहा है स्कूटी पे, कंफर्टेबल है काफी। अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप लिया है, मेरी कमर में दर्द है। 2 घंटे बाद पहला स्टॉप लिया है कैंची धाम पे, तो वो है मंदिर कैंची धाम का। लेकिन राइड करने में ना ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, 2 घंटे में ही बालों की बैंड बच गई है। अभी तो हमको 10 घंटे राइड करना है, और अब नॉन स्टॉप ही जा रहे हैं हम, व्लॉग भी कम ही कर रहा हूँ मैं। मेरी आवाज़ को क्या हो गया भाई? बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। फिलहाल अभी हमको जाना है रानीखेत, जो कि 31 किलोमीटर है। उसके बाद जाएंगे कर्णप्रयाग, जो कि 200 किलोमीटर। अगर सीधा जाएंगे तो यहाँ से अल्मोड़ा आता है, अल्मोड़ा हमको नहीं जाना, तो इस पुल से जाएंगे वहाँ पे। तो इस रूट पे हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं गढ़वाल साइड। यूजुअली हम उस रोड से सीधा जाते थे अल्मोड़ा या फिर अपने गांव, लेकिन यहां से ये रोड पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखते हैं ये रोड किस तरह की है। तो जो ये नीचे वाली रोड है ना, ये रोड सीधा ऊपर पहाड़ से, उधर पहाड़ के उस साइड में मम्मी का मायके, इस साइड तो हम आए हैं, लेकिन जो ये वाली रोड है ना, इस रोड पे पहली बार जा रहे हैं। तो ये सीधा गढ़वाल की तरफ जाएगी, रानीखेत से आगे। तो अभी गाइस हम रानीखेत पहुंच गए हैं, और ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो 4 घंटे की राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कुछ खाएंगे, बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए थे, बहुत भूख लग रही है। मम्मी ने कुछ रोटी वगैरह रखी थी, तो वही नीचे जंगल में जाके खाएंगे। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाके बैठ के आराम से खाएंगे। बाकी यहाँ पे कीड़ों की आवाज़ बहुत आ रही है, देखो सफ़र कैसा है, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। सर के पास भी स्कूटी है, तो हमारे पास 2 स्कूटी है और 2 बाइक है।
लेकिन कमर में दर्द हो रहा है बहुत। 4 घंटे हो गए ना, अभी तो आधा भी नहीं, अभी तो और भी जाना है। बाकी थकान तो नहीं लग रही लेकिन कमर में दर्द हो रही है ना स्कूटी में बैठे बैठे। पहले एक बार मम्मी को फोन कर लेता हूँ कि रानी खेत पहुँच गई, मम्मी को टेंशन हो रही होगी। टेंशन तो मुझे भी हो रही है, मुझे ये टेंशन हो रही है कि मम्मी को टेंशन हो रही है। तो मम्मी को फोन करके बता देता हूँ कि पहुँच गया आराम से जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेंशन तो होती है, अब जब तक घर नहीं पहुँचेंगे ना हम 10 दिन तक मम्मी को टेंशन ही रहेगी। बाकी देखते हैं आज कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, केदारनाथ तो शायद नहीं पहुँच पाएंगे। तो खाना इसके अंदर है, देखते हैं है क्या इसमें। अरे ये क्या खोल दिया, पेट्रोल पिएगा क्या? तो ये अपना आज का खाना, चलो स्कूटी बंद करके आ जा, ध्यान से आइयो ठीक है, ध्यान से फिसलने वाला है। आ जाओ यहाँ पे छाया सी, यहीं बैठ जाते हैं क्या, और नीचे चल रहे हैं। आ जाओ और नीचे कूजा कूजा, देख तो सही मम्मी ने भेजा क्या है। अरे गरम हो रखी है, गरम नीचे हाथ लगा। अरे हाँ गरम है। तो मम्मी जी ने आलू बना के भेजे हैं। ओ भाई क्या खुशबू आ रही है इनमें। अबे पूरी नहीं है, रोटी है। रोटी है ना, रोटी ठीक है यार पूरी से तो। अरे यार पूरी, पूरी भी है, पूरी भी है। मैं पूरी खाऊंगा। चलो फिर खाना स्टार्ट करते हैं। पूरी भी है, रोटी भी है और आलू भी है, कटोरी भी है। तो पीयूष सर्व कर रहा है सबको। अरे क्या कर रहे हो, एक ही में से खाओ यार। तो भी गाइस खाना हो चुका है, थोड़े बहुत आलू बचे थे वो मैं खा रहा हूँ। बाकी जंगल में हम खा तो रहे हैं बट हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, जो भी है सब कुछ साथ में लेके जाएंगे। एक गंदगी फेंक के जाएंगे इनको इनको ही फेंक के जाएंगे। जिसको भी चाहिए हाँ के उठा लेना, सबने खा लिया इतने सारा। बड़ी उड़ गया, एक रोटी अभी बची है तो खा लो। एक रोटी बची है जो कि हम गाय को दे देंगे। अब सीधा नॉन स्टॉप चलते हैं। तो अभी गाइस एक दिक्कत आ गई है, स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। बिकॉज की टंकी सिर्फ 5 लीटर की होती है ना, बुलेट में से पेट्रोल निकालेंगे और इसमें डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं आ रहे, इतने सारे किलोमीटर चल गए हम। बाय द वे स्कूटी मस्त चल रही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावरफुल है, मस्त मजा भी आ रहा है, कंफर्टेबल भी है, कोई गियर वेयर का पंगा नहीं है, सीधा चलाओ। तेल नहीं निकल रहा तो अब कैसे चलेंगे, पोपट हो गया। पाइप कहाँ से लाओगे, तो पेट्रोल की दिक्कत हो गई है, पेट्रोल निकल भी नहीं रहा बाइक में से, अब क्या करें। स्कूटी में ना लॉन्ग राइड करने में यही दिक्कत है फ्यूल की, क्योंकि 5 लीटर होती है, भर भर भरवानी पड़ती है। लेकिन बाइक में तो आराम से 13-14 लीटर होती है, पूरी ट्रिप ही जाती है बाइक में, तो इसमें 3-4 बार भरवाना पड़ेगा। चलाते हैं जहाँ तक चलती है, बंद हो जाएगी देखेंगे फिर क्या करेंगे। अभी फ्यूल ऑन रिजर्व दिखा रहा है ये, देखते हैं कितनी चलती है। इस रोड पे तो आई डोंट थिंक कि कोई पेट्रोल पंप होगा। भैया पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे यार नहीं मिलेगा। भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, ओ भाई अभी रोड के बीच में, अभी बता हमने रोड पे क्या देखा, उसकी जीप भी निकाल रहा था वो। हाँ मॉन्स्टर लिजार्ड। तो फाइनली पेट्रोल तो मिल गया, दो दे दो। हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल पानी भी ले लिया, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। तो अभी हम आ गए हैं 109 किलोमीटर, हल्द्वानी यहाँ से 109 किलोमीटर है। तो फाइनली पेट्रोल पंप भी मिल गया, अब फुल करा लेते हैं। तो अभी हम इतनी देर से पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे और ये पेट्रोल पंप मिला। ये सर है हमारे सब्सक्राइबर, ये निगाही है। सौरभ तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने हमारा उत्तराखंड का नाम ऊंचा कर रखा है, अभी तो प्रदेश में है, देश में और विदेश में नाम घुमाए, ये मैं थैंक यू कामना करता हूँ। थैंक यू सर। चले हो गया, चले निर्मल भैया गिर गए हैं, बहुत ज्यादा लग गई उनको यार। तो भी बुलेट को डाल देते हैं अंदर, कोई बात नहीं अब चलते हैं वापस। बाइक के घिसड़ने के निशान देखो वहाँ से यहाँ तक पूरे, और इन्हीं के भरोसे हम आए थे, मम्मी ने नहीं कहा था और इन्हीं काम करवा लिया अपने। चलो यार कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यार बच गए। चलो फिलहाल निकलते हैं अब वापस हल्द्वानी के लिए। केदारनाथ ट्रिप कैंसिल, बस वो ठीक हो जाए यार अच्छे से, ज़्यादा ना लगी हो बस। आ जा पीयूषी। तो अभी फिलहाल उनको यहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं वो ट्रक वाले अंकल, और उसी में ही उनकी बाइक चली गई है। अब हम भी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे हल्द्वानी तक, और अभी 2:30 बज चुके हैं तो हम 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हल्द्वानी। हमारी ट्रिप यहीं तक की थी बस। तो अभी हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ पे इलाज चल रहे हैं उनके, मतलब टाके वाके लग रहे हैं। तो फिलहाल कोई गाड़ी देख के आते हैं उनके जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पीयूष को भी इसमें ही भेज देते हैं। पीयूषी तू भी गाड़ी में चल जाए ठीक है, गाड़ी में ठीक है भाई, पीछे बैठ के क्या जाएगा। अभी हमको 5 घंटे राइड करना है वापस, तो सामान सारा डाल दिया है। तो फिलहाल भैया को गाड़ी में बिठा दिया है, पीयूष भी उन्हीं हाथ में जा रहा है और हम तो स्कूटी लेके ही जाएंगे। ठीक है ना भैया, ओके मिलते हैं, मिलते हैं वहीं हल्द्वानी, मिलते हैं हल्द्वानी मिलते हैं। चलो अब हम भी निकलते हैं, घर पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा, मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। घर जाके मम्मी डांटेगी बहुत, सर को लेके जाऊँगा मैं तो बचाने के लिए। अभी 4 बज चुके हैं, 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जाते हुए हम कितनी मस्ती से जा रहे थे, हंसते खेलते हुए, रास्ते को एंजॉय करते हुए, पीयूष था साथ में, अब मैं अकेला भी हो गया हूँ। इतनी गंदी वाली फीलिंग आ रही है ना कि लग गई, अब घर जाके बहुत अजीब लग रहा है यार। अब तो बस जैसे तैसे घर पहुँचना है, लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता।
हम प्लान क्या बनाते हैं, हो क्या जाता है कभी। निर्मल भैया के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, वो तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए सर ने मुझे ये दे दिया, मेरे हाथ अकड़ चुके हैं बिल्कुल ठंड से। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे, अभी इतनी ठंड लग रही है। तो गाइस फाइनली हम केदारनाथ घूम के आ गए हैं। और टाइम क्या हो गया भाई, 8:39, सुबह 8 बजे निकले थे अपन, पूरे 12 घंटे राइड करी है। अब बड़े बड़ा रिएक्शन देखते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं, उनको पता नहीं है कि हम घर आ गए। सरप्राइज करेंगे, निर्मल भैया को घर छोड़ाए हम अच्छे से, और सर भी हमारे साथ में है बचाने के लिए। सरप्राइज मम्मी, सरप्राइज क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ क्या था। तो कहानी ये थी कि सर बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, सर बताएंगे। हम किसी गाड़ी वो किसकी भैया की बाइक वो बुलेट, हाँ गिरे तभी तो थोड़ी चोट लगी उनको, नहीं लगी थोड़ी बहुत। वही तो बाइक में वही होता है ना पहाड़ों में, तुम लोग वैसे लंबा सफर बाइक का था थोड़ी है। बेटा किसी के साथ भी हो सकता है, निर्मल भैया के साथ, वो हमारे साथ भी हो सकता था, क्योंकि ज्यादा नहीं लगी। फिर वहाँ से चला के लाए यहाँ तक, नहीं तो नहीं नहीं उनको हॉस्पिटल भेज दिया हमने वहाँ से, और उनको किसी ट्रक में डाल दिया, ट्रक में डाल दी उनकी गाड़ी। हाँ। फिर हम उनके पीछे पीछे आए, उनको पहले हॉस्पिटल दिखाया, पट्टी वट्टी का सब कुछ करी। ज्यादा लग गई क्या? ज्यादा नहीं लगी मतलब, हाँ उनको घर पे छोड़ दिया। पीयूष भी गाड़ी में ही आया, पीयूष बाइक में नहीं आया। खैर ना से यहाँ अंधेरे में आया हूँ बाइक चला के, ये रिस्की है पहाड़ों में रात को, बाइक स्कूटी भाई, इतना डर लग रहा था ना मम्मी, लेकिन आना था, फिर आना था तो आना था। रुक सकते हो बेटा, कहीं पर रुक सकते हो बेटा, जहाँ भी मैंने तेरे को कह रखा है, जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहीं रुक जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर तो फिलहाल अभी डिनर करते हैं, डिनर में आज है खिचड़ी। हमारे आते जल्दी मम्मी जी ने खिचड़ी बना दी बस, और वैसे खाना तो बना था बिकॉज मम्मी को लगा कि हम वहीं होंगे केदारनाथ, तो अभी खिचड़ी खाते हैं आज डिनर में। तो फिलहाल डिनर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अभी हमें घर पे, मतलब होना तो केदारनाथ चाहिए था हमको, मतलब सोमनाथ। आज हमारा सोमनाथ स्टे करने का प्लान था, और आपने देखा क्या हुआ, मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ आज की। सुबह सुबह हम उठे, काफी एक्साइटेड थे केदारनाथ जाने के लिए, पूजा की, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई एज यूजुअल, उसके बाद खुशी खुशी एक्साइटेड होके हम सब गए बाइक्स पे और स्कूटी पे एज यूजुअल, निर्मल भैया के साथ में और पीयूष के सर के साथ में। रास्ते में काफी मजे आ रहे थे, मस्त हमने लंच किया पहाड़ों के बीच में, और 5 घंटे हमने राइड कर लिया था, मतलब आधा रास्ता भी ट्रेवल नहीं हुआ था। एकदम से मोड़ पे ना कोई ट्रक आया, और एकदम से वो बाइक स्लिप हो गई, तो उनके हाथ पैर थोड़े बहुत छिल गए थे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो एक ट्रक आया उसमें बिठा दिया, उसी में बाइक ले गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पट्टी वगैरह की, हमने अपनी ट्रिप कैंसिल की, वो तो करनी पड़ती ना, तो बाइक तो हमने ट्रक में भेज दी थी, और फिर गाड़ी बुक कर दी थी। फिर पीयूष और निर्मल भैया उसमें आ गए थे, हम पीछे पीछे स्कूटी और बाइक लेके आ रहे थे, और हमको अंधेरा हो गया, अंधेरे में इतना डर लग रहा था लिटरली। सुबह 8 बजे हम घर से निकले थे, और 8 बजे हम हल्द्वानी पहुंचे हैं, पूरे 12 घंटे पूरा दिन बाइक चलाने में निकला हमारा, बस एक बार हमने बीच में लंच किया था। तो बस फिलहाल यही था आज का सीन, मैं तो लिटरली काफी यार डर गया था जब मैंने देखा ना वो गिर गए वो, बट भगवान की कृपा से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को बस एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। केदारनाथ तो हम नहीं जा पाए, बट जल्दी ही दोबारा जाएंगे हम। हमेशा हम कोई भी काम पहली बार करते हैं ना, पोपट होता ही होता है, बट कोई बात नहीं, लाइफ है, चीजें होती रहेंगी, नए नए एक्सपीरियंसेस करते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for watching.